नमस्कार सभी दर्शकों, भगवान से मेरी यही दुआ है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और भगवान आपको स्वस्थ ही रखेगा। बहुत विशेष, बहुत बहुत अच्छी जानकारी बता रहा हूँ नाभि के ऊपर कि नाभि ठीक क्यों नहीं होती है और नाभि अपनी जगह क्यों नहीं आती परमानेंट, आखिर में उसका क्या कारण है। पिछले कई सालों से मैं नाभि वाले मरीजों को देख रहा हूं, बहुत परेशान रहते हैं, अथाह परेशान रहते हैं, पतले दुबले होते जाते हैं, कोई व्यक्ति बहुत मोटा होता जाता है, किसी व्यक्ति की सांस फूलती है और सभी मरीज आके बोलते हैं कि हमने वहां सही कराया, हमने वहां पर सही कराया, हमने नाभि को वहां पर बैठाया, हमने नाभि को वहां सेटिंग कराई, हमने नाभि को ऐसे ठीक कराया, हमारी नाभि धरन चली गई तो हम इधर गए, हम उधर गए, लेकिन हम सेट करा के आ जाते हैं और उसके बाद में वो तुरंत उतर जाती है, वो तुरंत हट जाती है। पिछले कई सालों से मैं नाभि के ऊपर काम कर रहा हूं, बहुत गहन सर्च कर रहा हूं, गहन अध्ययन कर रहा हूं और मुझे नाभि के बारे में जो ज्ञात हुआ है मैं आपको बता रहा हूं कि नाभि को तो आप ठीक करा लोगे लेकिन नाभि के आसपास जो गंध है उसको निकालना जरूरी है। नाभि के आसपास जो हल्का स्टोमक एक रहता है, जो हल्का पेट में दर्द रहता है, जो हल्का एब्डोमिन में दर्द रहता है, उसको निकालना जरूरी है। नाभि को आपने सेट करा ली, वो नाभि सेट नहीं होगी, उसके 2-4-5-10 घंटे बाद दोबारा वैसी हो जाएगी, अगले दिन फिर वैसी हो जाएगी। जिस व्यक्ति को नाभि की प्रॉब्लम है उसको पेट ठीक कराना ही पड़ेगा। न्यूरोथेरेपी में पेट को हम मुख्य आधार मानकर बिल्कुल ठीक करते हैं, पेन पॉइंट्स चेक करते हैं पूरे पेट के कि पेट में जितने सारे ऑर्गन हैं, पैनक्रियाज, स्टोमक, गॉलब्लैडर, स्प्लीन, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, कॉन्स्टिपेशन का एरिया, टेस्टिस, ओवरी, लेफ्ट और राइट ओवरी, यूट्रस या प्रोस्टेट ग्लैंड, पेट के सारे ऑर्गन कितने क्लियर हैं, सारे ऑर्गनों में कितना दर्द है या पेट में कितना दर्द है। अभी हम देखते हैं कि ज्यादातर लोगों में, नाभि वालों में गैस और कब्ज की बहुत बड़ी लेवल की समस्या रहती है। नाभि से ऊपर, चार उंगल ऊपर नाभि से ऊपर, आप नाभि जब ऊपर चली जाती है तो व्यक्ति को उसको ऐसे टच करके देखेंगे तो बहुत तीखा दर्द होता है क्योंकि गैस बहुत ज्यादा बनती है उस व्यक्ति को, और जब तक उसका स्टोमक क्लियर नहीं होगा, उसका पेट क्लियर नहीं होगा, उसकी नाभि ठीक नहीं हो सकती। नाभि वाला व्यक्ति को ज्यादा भार नहीं उठाना चाहिए, खाली पेट नहीं रहना चाहिए, अत्यधिक काम नहीं करना चाहिए और एक अपने जो वर्कआउट उसका होता है, एक जो सेशन होता है, अपने लिमिट से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका पेट कभी ठीक नहीं हो सकता, नाभि परमानेंट धरन परमानेंट गिरी हुई होगी, हटी हुई होगी। बहुत सारी चीजें हैं नाभि के कारण, दस्त लग सकते हैं, बार बार पोटी आ सकती है, लीवर की समस्या हो सकती है, आँव म्यूकस की समस्या हो सकती है। नाभि अगर ऊपर चली जाती है तो बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी, अस्थमा हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, लंग्स की बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी, गैस हो जाएगी, इनडाइजेशन हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। न्यूरोथेरेपी में नाभि को तो ठीक किया जाता है लेकिन उसके साथ पेट को ठीक किया जाता है, क्योंकि पूरा पेट जब तक ठीक नहीं होगा जब तक नाभि अपनी जगह नहीं आएगी और वो हिलती रहेगी। नाभि हमारे शरीर का मुख्य केंद्र है, सोलर प्लेक्सस है, ऊर्जा का केंद्र है, 72,000 नाड़ियां से निकली हुई है। नाभि ऊपर चली जाएगी तो भी बहुत डेंजरस रोग आ जाएंगे, नीचे चले जाएगी तो भी डेंजरस चले जाएंगे, लेफ्ट में चली जाएगी तो भी, राइट में चली जाएगी तो भी, बहुत सारी चीजें उससे रिलेटेड हैं और बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी। प्रथम नाभि को ठीक करना बहुत जरूरी है और नाभि को ठीक करने के साथ में हमारे पेट के सारे ऑर्गन ठीक होने चाहिए। जब सारे ऑर्गन ठीक होंगे तभी नाभि अपनी जगह पर आएगी। और नाभि को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजें, पेट की बहुत सारी चीजें ठीक करनी पड़ती हैं। अतः आप जहां भी जाएं अपने पेट का बहुत अत्यधिक तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से इलाज कराएं और तभी आपकी नाभि फिट बैठेगी। धन्यवाद।